हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने नया आईफोन खरीदा है और आपको फर्स्ट टाइम आईफोन में साइन इन करना है या फिर एप्पल आईडी से साइन इन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो ये बताऊंगा। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो और या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो एप्पल आईडी से साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वहां पे साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका ऑलरेडी एप्पल आईडी एडेड है या फिर आपने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपका आईडी विजिबल हो जाएगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो अभी कोई एप्पल आईडी यहाँ पे साइन इन नहीं है या फिर साइन इन किया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा साइन इन टू योर आईफोन। तो आपको सिंपली ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, एप्पल आईडी पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल आईडी का ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आपका जो भी एप्पल आईडी है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। हो सकता है वो आपका फोन नंबर हो या फिर आपका ईमेल आईडी हो, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करके सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो हाईलाइटेड नहीं है, ब्लू कलर में नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी एंटर करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाएगा। बट इन केस अगर आप आपका एप्पल आईडी भूल चुके हो, आपको याद नहीं है या फिर आपको नया एप्पल आईडी क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हो बॉटम में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डोंट हैव एन एप्पल आईडी और फॉरगॉट इट। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आप भूल चुके हो एप्पल आईडी या फिर नया एप्पल आईडी आपको साइन इन करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एप्पल आईडी है तो यहाँ पे सिंपली एप्पल आईडी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ऊपर के साइड पे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो एप्पल आईडी मैंने एंटर कर दिया है सिंपली। अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन जो है ब्लू कलर में आ चुका है, हाईलाइट हो चुका है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा लोड करने के लिए और नीचे आप देख सकते हो बॉटम में एप्पल आईडी के नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे अभी आपको आपका पासवर्ड एंटर करना होगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड भी हो चुका है एंटर, अभी सिंपली नेक्स्ट के ऊपर मैं टैप कर दूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल आईडी वेरिफिकेशन कोड का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे डिवाइस के ऊपर यहाँ पे एक कोड भेजा जाएगा जो हमें यहाँ पे एंटर करना है। हो सकता है वो आपके मैकबुक पे हो, आईमैक में हो, वहाँ पे आपको कोड रिसीव हो जाएगा। अगर आपको वहाँ पे कोड रिसीव नहीं होता है इन केस या फिर आपके पास कोड नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे डिडंट गेट अ कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप दोबारा से नया कोड मांग सकते हो या फिर आपको मोबाइल नंबर पे आपके जो टेक्स्ट कोड है वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोड जो है मेरे मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली कोड जो है वो मोबाइल नंबर के ऊपर हमें मिल जाएगा, तो वो कोड हमें रिसीव होते ही यहाँ पे एंटर कर देना है। कोड रिसीव हो चुका है, कोड एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने जो प्रोसेस है वो सारे अपने आप हो रहे हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुके हैं, आपको पढ़ना होगा तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस सारे यहाँ पे पढ़ सकते हो। और सारी चीजें होने के बाद आपको सिंपली बॉटम में एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से एक बार एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो आई एग्री टू आई क्लाउड एंड एप्पल मीडिया सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है साइन इन टू आई क्लाउड। साइन इन होने के बाद यहां पे आपको एंटर आईफोन पासकोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने फोन के लॉक के लिए जो भी पासकोड सेट किया था वो आपको यहां पे एंटर कर देना है। कोड मैंने एंटर कर दिया, आप देख सकते हो लोड हो रहा है यहां पे। तो यहां पे एंटर मैक पासवर्ड आ जाएगा, तो आपने आपके मैक पे अगर कोई पासवर्ड रखा है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो मैकबुक में ऑलरेडी साइन इन है या फिर उनके आईमैक पे उन्होंने साइन इन किया है। अगर आपको यहाँ पे मैकबुक का पासवर्ड नहीं याद है तो आपको यहाँ पे बॉटम में देख सकते हो फॉरगॉट मैकबुक प्रो पासवर्ड। तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन के बाद इफ़ यू कांट रिमेंबर द पासवर्ड फॉर मैकबुक और मैकबुक प्रोज यू कैन एंटर पासवर्ड फॉर वन ऑफ योर अदर डिवाइसेस। तो चूज डिवाइस अगर हम यहाँ पे करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मैकबुक प्रो एंड एप्पल मैकबुक, सेम चीज है। तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी डिवाइसेस के पासवर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप सिंपली फॉरगॉट ऑल पासवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देखो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर फॉरगॉट ऑल पासवर्ड्स।
तो ये सिर्फ उन चीजों के लिए है, आपको अगर किसी भी चीज का पासवर्ड अगर याद नहीं आ रहा है साइन इन करने के टाइम पे, तो ही आपको ये सारे ऑप्शंस करने हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एट दी एंड एंटर पासवर्ड लेटर का ऑप्शन आ चुका है, तो अगर मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूं तो अभी आप देख सकते हो हमारा साइन इन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे पासवर्ड एंटर करने ही हैं, आप बिना पासवर्ड एंटर किए भी साइन इन कर सकते हो, बट आपका फोन का जो पासकोड है वो आपको डेफिनेटली एंटर करना पड़ेगा। आपका एप्पल आईडी का लॉगिन, ईमेल आईडी या एप्पल आईडी का पासवर्ड आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा। ये एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए वो मैकबुक के पासवर्ड जो थे वो एडिशनल स्टेप्स है। अभी आप देख सकते हो वहां पे मेरा नाम आ चुका है, एप्पल आईडी मेरा आ चुका है, और अगर मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एप्पल आईडी विजिबल है। जहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ही हम सेटिंग्स के अंदर आए थे, आपको दिखा देता हूँ फिर से, स्टार्टिंग में हम सेटिंग्स के अंदर आए थे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन था, तो अभी जो है हमने सिंपल तरीके से स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पे एप्पल आईडी लॉग इन कर दिया है। तो दोस्तों यही सिंपल स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आप सिंपली आपके आईफोन में लॉग इन या फिर साइन इन कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे आपके कुछ भी अगर सवाल है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।